हर हर महादेव, जय श्री महाकाल साधकों। आशा करते हैं आप सब अच्छे भले होंगे, आपके परिवार में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा होगा। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा और देख करके यह चीज समझ गए होंगे कि आज की वीडियो हमारी किस विषय में या किस टॉपिक पर होने वाली है। तो जैसे कि आप लोगों ने देख लिया थंबनेल में कि किसी भी तंत्र का, मंत्र का, वाशीकरण का या छुटकारा कैसे पाएं, किस प्रकार पाएं, क्या चीजें उसमें कार्य करेंगी, क्या होगा विधि, वो विधियां आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और बहुत ही कारगर विधि है, एक बार यदि आप उस विधि को कर लेते हैं तो 100% आपका निपटारा हो जाएगा, काम से कार्य आपका होना ही होना है। लेकिन देखिए, विधि तो आपको बता दे रहे हैं, इसमें कुछ चीज़ों का पालन करना होता है। पहले वह पालन जान लीजिए कि क्या करना है। आपको ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ही मजबूती से रखना है, क्योंकि बिना ब्रह्मचर्य के यह चीज़ें होना, आप समझ लीजिए कि एक तरीके से असंभव वाली बात हो जाती है। क्योंकि इसमें ब्रह्मचर्य तो बहुत ही आवश्यक है। जब तक आप ब्रह्मचर्य नहीं रखेंगे, जब तक आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, तब तक यह सारी चीज़ें आपके लिए कार्य ही नहीं कर पाएंगी। तो ब्रह्मचर्य का पालन आपको रखना ही रखना है, यह बात आप जान लीजिए। ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। अब चलते हैं विधि की तरफ कि विधि क्या होने वाली है, किस विधि से हमें छुटकारा मिलेगा। तो देखिए, विधि ये है कि आपने पहले ब्रह्मचर्य रख लिया, रखने के बाद आप लंगोट धारण करेंगे। लंगोट आपको जब तक यह चीज़ और जब तक यह क्रिया आपकी चलेगी, तब तक आपको लंगोट धारण करना है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों के बीच। अब दूसरी चीज़ क्या है कि इस मंत्र का या इस चौपाई का आपको डेली कम से कम 108 पाठ करना है। 108 पाठ आपको डेली करना है। देखिए, यदि आप हनुमान जी के मंदिर में करते हैं तो भी कार्य करेगी, अगर आप घर पर करते हैं तो भी कार्य करेगी, लेकिन आपको ब्रह्मचर्य, मानसिक रूप से भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है और शारीरिक रूप से भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जब तक मानसिक और शारीरिक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन आप नहीं करेंगे, यह विधि कार्य नहीं करेगी। तो जो चौपाई और जो पाठ हम देंगे उसका आपने 108 पाठ करना है। आपके पास अगर रुद्राक्ष की माला उपलब्ध है तो आप रुद्राक्ष की माला से करें। अगर रुद्राक्ष की माला उपलब्ध नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर रुद्राक्ष की माला उपलब्ध है तो बहुत अच्छी बात है, वो भी संस्कारित होनी चाहिए। अगर संस्कारित है तो यह चीज़ आपके लिए बहुत तीव्र गति से काम करेगी। आपको करना क्या है, हनुमान जी के मंदिर में जाना है। अगर दक्षिणेश्वर हनुमान जी हैं, यानी दक्षिण दिशा की ओर उनका मुंह है, तो और अच्छा है। तो इसमें आपको करना क्या है, इस विधि में आपको लगेगा क्या, इस विधि में आपको जो है घी के दीपक लगेंगे, 5 घी के दीपक लगेंगे, प्रथम हनुमान जी के रहेंगे और जो 4 होंगे वह 4 हनुमान जी के दूतों के नाम से रखाएंगे। आपको हनुमान जी के दूतों के नाम से रखना है कि जो भी हनुमान जी के प्रमुख दूत हैं वह लोग के लिए यह 4 दीपक है। लड्डू आपको लेकर जाना है, दाल बेसन का, कम से कम 6 लड्डू ले लें, 2 हनुमान जी को चढ़ा दें, 1-1 लड्डू जो है इन लोगों को चढ़ा दें। और आपको क्या चाहिए, आपको जो है अगरबत्ती चाहिए। अगरबत्ती नहीं तो आप धूप ले लीजिए, बहुत अच्छा कार्य करेगा धूप। इसके साथ में अगर आप हवन कर सकते हैं, जैसे आपने 108 बार मंत्र का जाप किया तो आप 11 बार अगर हवन की आहुति दे सकते हैं तो अति उत्तम है, बहुत ही अच्छी कार्य करेंगी। यह विधि आपको कितने दिन करनी है, यह विधि आपको निरंतर 21 दिन करनी है, संकल्प के साथ करनी है। संकल्प की वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लें, उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। संकल्प कैसे लेते हैं वह वीडियो है, आप उसे भी देख लें। आपको लाल कपड़े पहनना है, यह विधि और यह चौपाई आपको कब करनी है,
या तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच में कर लीजिए, या फिर आप जो है शाम में करिए 5 बजे के बाद, रात में चाहे आप जब कर सकते हैं। एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि जब भी आप इस मंत्र का या चौपाई का जाप करेंगे समय एक होगा, 108 बार आपको प्रतिदिन करना है, 11 दिन या 21 दिन का संकल्प लेना है। जिस व्यक्ति के नाम से कर रहे हैं उस व्यक्ति के नाम का संकल्प छोड़ना है, और 21 दिन के अंदर अंदर किसी के ऊपर तंत्र मंत्र वासीकरण हो वह कार्य हो जाएगा। कुछ एक ऐसे होते हैं शक्तियाँ जिनमें यह कार्य नहीं करती, बाकी सब में कर देती है। कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कार्य नहीं बनता है, तो इस चीज़ को आप करें, आपका कार्य अवश्य होगा। जो चौपाई है वह चौपाई आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, संपूर्ण चौपाई का आपको पाठ करना है, और हनुमान जी के पूजन के पहले आपको राम जी का पूजन अवश्य करना है, ठीक है। यह सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। आसन आपका कौन सा होगा, आसन आपका लाल ले लीजिए या सफ़ेद ले लीजिए, वस्त्र आपके लाल या सफ़ेद चलेंगे। सर पर आपको लाल कलर के कपड़े बांधने हैं, लाल कलर का तिलक जो है टीका आपको लगा लेना, सिंदूर का तिलक आपको कर लेना है अपने माथे पे। यह सब सारी चीज़ों का परहेज आपको करना है, ब्रह्मचर का बहुत अच्छे से परहेज आपको करना है, और जो विधियां बताई गई हैं यह विधि संकल्प आपको एक ही दिन लेना है, ठीक है ना। इसके बाद आपने यह विधि को निरंतर 21 या 11 या 21 दिन कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो आशा करते हैं साधकों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यह क्रिया करके आपको अवश्य लाभ मिलेगा। यह हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि जो जो यह चीज़ करे उसको अवश्य बाबा उसका कार्य कर दें और उसे लाभ दे दें। चलता हूँ साधकों, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।